अच्छा जी, इस लेक्चर में ना हम डिस्कस करते हैं, आपका टेस्ट हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी ईपीएस का, कौन सा जी? जी अच्छा, क्वेश्चन की तरतीब तो चेंज हो सकती है, बहरहाल ये टेस्ट में आया था, मुझे याद पड़ता है, ऑनलाइन वालों आया था टेस्ट में। अच्छा जी, इधर ना ये देखें जी, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा, कहता कैलकुलेट सी एल बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज, टू बी बच्चों क्या, इन सी एल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 31 दिसंबर 2023। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, मेरा आज का जो टारगेट है ना, एक तो ये 3-4 सवाल डिस्कस करना, जो मेन टारगेट है ना वो रेशियोज के एमसीक्यूज करवाना है, समझ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये मैं थोड़ा सा शायद ना आपको लिंक करवाऊँ सोल्यूशन के साथ, क्योंकि जज्बाती हो गया तो 1.5 घंटा इस पर लग जाना मेरा, ठीक है। वो आपको पता है, फिर सारा पीछे से रिवाइज करवाना फिर वो, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल आया था, 17 नंबर का, खीर दी थी आई कैप ने, बिरयानी दी थी बच्चों को, ऐसे यकीन करें आप, इधर देखें अभी पढ़ें। और मुझे ये जब मैंने ये देखा ना पेपर, तो मैंने 2-3 दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ी, मैंने कहा यार ये क्या, उसने ना तो उसने इधर नोट्स बनाने को कहा, कुछ भी नहीं कहा, चलो नोट्स बनाने को कहे ना, क्वेश्चन लेंथ ही हो जाता है ज़रा, तो समझ आती है 17 नंबर की, ये 17 नंबर का सवाल था। अब पता नहीं मुझे समझ नहीं आते बच्चे क्यों परेशान होते हैं, 17 नंबर का ये सवाल, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 17 नंबर का क्वेश्चन जो आपको करवा दिया था प्री और पोस्ट दोनों को, वो 17 नंबर का सवाल, सीधा आसान सवाल, कोई उसने स्टैंडर्ड इतने मिक्स नहीं किए, सीधा सीधा सवाल। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक थ्योरी का सवाल था 8 नंबर का, वो जो आपसे डिस्कस कर दिया था टेस्टों में, दोनों प्री और पोस्ट में। फिर बॉर्विंग कॉस्ट का सवाल, फिर 20 नंबर का सवाल जो प्री और पोस्ट, ये अभी मेरा ख्याल कल लेक्चर हुआ था, शायद परसों, लेक्चर नंबर 99 था शायद प्री वालों का, और पोस्ट वालों का भी इसी तरह का कुछ था। अच्छा जी, वो टेस्ट में था, सॉरी टेस्ट के डिस्कशन में था, टेस्ट पता नहीं अब कौन सा है वो 20 नंबर का था। मैं मानता हूँ इसमें एक ट्रांजेक्शन मुश्किल थी, लेंथी थी यार, उसके बगैर 15 से 16 नंबर आ सकते थे। तो पेपर आप मुझे खुद बताएं, पास होने के लिए बच्चों बहुत नंबर होते हैं। अभी इंशाल्लाह जब हमारा एंड होने लगेगा ना, पहले प्री और फिर पोस्ट, मैं आपको 2-3 पेपर एनालाइज करवाऊंगा और आपको बताऊंगा जी, देखो आपको कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आ जाएगा कि इतना बड़ा मसला नहीं है FAR 1 का पर्चा पास करना। हाँ, उनके लिए मसला बहुत बड़ा है जिन्होंने लेक्चर छोड़े हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, जिन्होंने अपनी मर्जी से 3 क्लासेस ले ली, 4 छोड़ दी, उनके लिए तो वाकई चांद मसला है। बहरहाल बात को मुख्तसर करते हैं, सवाल पे आते हैं। कहता जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू चांद हैज़ बीन इकट्ठी की फॉर द मकसद ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट तो यार 4 नंबर की रिक्वायरमेंट, ईपीएस कैलकुलेट करनी है 31 दिसंबर 2022 जी, सिंपल, यानी पिछले साल की, और 2023 की करनी है जी 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कंपैरेटिव भी। अब याद रखिएगा, अब ईपीएस का जब लफ्ज आया ना, तो डाइल्यूटेड भी है और बेसिक भी, अब जब आपने रीस्टेट करना तो डाइल्यूटेड को भी और बेसिक को भी। जी सर, पैड कितना है 31 दिसंबर 2022 का, बोले बोले बोले। अच्छा जी, ये है मेरे भाई, और 2023 का कितना है रिस्पेक्टिवली, ये बात समझ आती है भाई आपको, ये बात समझ आ रही है आपको। अच्छा जी, सुहेर साहब इस तरह कीजिए, ये ना पिछली टाइम का सलूशन पड़ा हुआ है ना ऐसे ही, उसका ईपीएस वाले सवाल का, ईपीएस वाले सफ़े का सलूशन का, उसके बाद ये रेशोस वाला ये सवाल है, इसका प्रिंट करके ना बच्चों को दे दें। अच्छा जी, अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी, ये आपके पास पैट आ गया, आ गया बच्चों पैट, इसमें से देखना है कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है 2022 में, टेस्ट दिया है आपने, मैं टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं है बच्चों, नहीं है, जिसने नहीं किया क्वेश्चन कर ले, ये वाला जान नहीं है इस क्वेश्चन में बहरहाल। अच्छा जी, कहता चलें देख लेते हैं, बहरहाल 2022 है ना जी, बेसिक ईपीएस जी, अब ना इधर पैट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी, ओके, पैट
पैट है जी आपके पास 308 का जी मेरे भाई। आप भाई जी कहता है जी 1 जनवरी 2022 पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ओपनिंग पे। अच्छा अब ये देखते हैं पहले बेसिक करना है ना, कोई 2022 में नए शेयर्स तो नहीं आए मेरे साथ है ना, जिधर ना समझ आए बोल लेना, थोड़ा थोड़ा ना हल्का सा जुबानी करना पड़ेगा। कहता जी ये है जी ओपनिंग में इतने, कहता ऑन 1 अप्रैल 22 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। रुक जाएं और इधर लिखें डाइल्यूटेड, डन। 1 जनवरी 2023 की बात कर दी उसने, 1 मई 2023 की बात कर दी उसने, 1 सितंबर 2023 की बात कर दी। यार ये तो कितना आसान है मेरे भाई, ये 4 नंबर तो हर बच्चा, अगर 4 में से किसी के पेपर में 4 नंबर आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप टू द स्काई एंड पता नहीं किधर किधर जाएगा जी। यार अब 96 में से आपने 46 लेने हैं तो पेपर में इंशाल्लाह ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन में पूरे पूरे भी आ जाते हैं। डिवाइड करो इसे किसके साथ, ये जो भी आ गई ठीक है बच्चों। अब डाइल्यूटेड पे आ जाओ मैं एक दफा कर लूं फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं, फिर डाइल्यूटेड पे आओ 2022 की डाइल्यूटेड। अच्छा क्या अब आपने देखना है, ये 2022 है ना मेरे भाई। कहता कन्वर्टेबल बॉन्ड डाइल्यूटेड के लिए इस्तेमाल होने हैं ना। अच्छा जी कहता पार वैल्यू ₹100, कहता वर इशूड, कहता था बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। अब देखो 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 ये कितना हो गया मेरे भाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये मैंने क्यों किया ऐसा, देखो अकेले 2022 में सिर्फ एक ही है, रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो बेसिक ईपीएस है ना यही आपका वो स्टेट लाइन में, इस तरह आप लिख देंगे इसे कैलकुलेशन फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। इधर मेरे भाई आपका आ जाएगा बेसिक, इधर आ जाएगा अर्निंग्स, इधर क्या आ जाएंगी ईपीएस और इधर ये बेसिक। अब अर्निंग्स इधर आनी है ना 200 और वो फलाम मल्टीप्लाई बाय 9/12 और जो भी आया, और नंबर ऑफ शेयर्स देखें कितने बढ़ रहे हैं। कहता एवरी दो बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब है अगर दो हैं, अगर बॉन्ड दो हैं तो शेयर्स कितने, 3। तो अब मेरी बात सुने, फैक्टर कैसे बनेगा बताओ जी, 3/2। शाबाश वेल डन। ये नहीं कहना एवरी टू हर दो। तो बच्चों किस तरह एग्जिस्टिंग न्यू वाला वो निकाल लेना जी, किसने जी गलत किया आपने टेस्ट में जी, 2/3। अच्छा न्यू कितने बच्चों, 3 और एग्जिस्टिंग, न्यू वाला ऊपर और ये डन, 2 × 3/2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा इधर, मल्टीप्लाई बाय 9/12 वो इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों, वो जो भी जवाब आया आपका डाइल्यूटेड आ गया, 2022 खत्म खलास। ओके बच्चों आप आ जाएं 2023 पे, 2023 का पैड चेक कर लें कितना है, 280 कितना बच्चों। अच्छा जी अब इधर से शुरू हों, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पिछली दफा के जो 25 है ना, बल्कि वेटेड एवरेज नहीं हम तो क्लोजिंग देखेंगे, वो 25 है, कितने हैं वो आके ओपनिंग बन जाएंगे इसके 25 के। अब कहता है जी 16% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों इधर तवज्जो करनी है जरा, अब ये इररिडीमेबल हैं, क्या हैं, हो सकता है ये कन्वर्टेबल हो सकता है कन्वर्टेबल, अच्छा हो या ना हो बहरहाल इसका इंटरेस्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना पैड में से। इररिडीमेबल का भी नहीं किया, कर लेंगे आप लोग जी, किस तरह करेंगे। कहता जी हैं 6 मिलियन, ये 50 से मल्टीप्लाई कर दें 300 पता नहीं इस तरह समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई 16% करें और इधर 12/12 ही आना है 2023 में, ये हो जाएगा बच्चों। मेरा ख्याल मैं इल्हामी बातें कर रहा हूँ आज, शायद आपको ऐसा लगे क्योंकि आपके सामने ना सलूशन नहीं है। ठीक है असल में ना मेरा फोकस है आज रेशोज के ना एमसीक्यू अच्छे कर लें हम जी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल किए हैं
मैंने लिंक करवा दिया, खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे इसको। अब बच्चों इधर देखें, ये आपने पैड में से माइनस किया 2023 के, अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की तगदों में लग जाएं। आगे वाला डाटा डाइल्यूटेड के लिए है, डाइल्यूटेड के लिए है ना, कहता ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल। हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, शायद पास पेपर का था, जिसमें इररिडीमेबल थे प्रेफरेंस शेयर्स लेकिन कन्वर्टेबल नहीं थे। एक क्वेश्चन ऐसा किया था, आई थिंक माइल्स लिमिटेड था, जिसके अंदर वो नहीं लिखा था, मैंने खुद लिखवा दिया था। अब आ जाए इधर, कहता ऑन 1 मई 2023 सीएल अनाउंस 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट प्राइस ऑफ 45। राइट शेयर्स जब भी आएगा बच्चों बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में, और इस पे एडजस्टमेंट फैक्टर आता है व्हेन, व्हेन व्हेन एक्सरसाइज प्राइस कम हो मार्केट प्राइस से। देख लेनी 45 पे इशू किया, एंटाइटलमेंट डेट क्या है बच्चों, हमेशा ये लेनी है। किताब में एक दो एक आधी जगह सोल्यूशन सही नहीं था, वो सही आपको करवा दिया था, अगर नहीं मुझे याद रहा, मैंने एक दो जगह सही करवाया है, एक जगह मेरा ख्याल है नहीं शायद करवा पाया, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वो आपने खुद कर लेना है। एंटाइटलमेंट डेट लेनी है हमेशा, वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, चेंजेस इन इक्विटी में। कहता था मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट, कौन सी लेनी है? अच्छा, अब इसके लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेना, वर्किंग करनी है राइट शेयर्स की बच्चों, बिफोर जी बच्चों इधर वन, ये तरीका रखना है आपने। आप 100 करना चाहिए 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, या एक्चुअल निकालने हैं तो कर लें, इतना अगर आपके पास वेला टाइम है तो जी। ये है बच्चों शेयर्स का डाटा और ये है प्राइस जी बच्चों, 80 इधर, इधर आ जाएगा टोटल 80, 18, 98, 70, पूरा ना, ये ले। व्हाट इज एडजस्टमेंट फैक्टर, याद रखना बच्चों ये है, ये क्या है बच्चों, एक्स थ्रेटिकल प्राइस, और ये है जी मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट, ये हमेशा ऊपर होगा। 80 डिवाइडेड बाय, ये रुपीस में है दोनों, बस इसी तरह लिख दें, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अब मेरे मासूम दोस्तों जी शेर अली इधर देखो, ये है जी, अब आपने क्या करना है, अब क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स भी तो निकालने हैं ना, बिल्कुल यही वाला तरीका, ये वाला। अब शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, कलर कौन सा था जी, ओके पता चल गया आपकी उसका। अच्छा जी इधर आएगा बच्चों ऊपर, और इधर ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ये बैलेंस करोगे आप लोग, और ये 5/12 ओपनिंग, और 1 जून से ऑनवर्ड्स ये टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा जी अब बच्चों अब मसला ये आना है, अब आपने अपने वाले साल को तो सही किया, अब इस पिछले साल को रीस्टेट करना पड़ेगा। जब पिछले साल को रीस्टेट करोगे ना तो पिछले साल की ईपीएस आपके पास होगी, उल्टे वाला एडजस्टमेंट फैक्टर लगा देना इस पर। डन भाई, चलें शाबाश, नेक्स्ट आए बच्चों। लेकिन जब आप पिछले साल के डाइल्यूटेड को करोगे ना, तो मैंने आपको तरीका बताया था क्या, डायरेक्ट डाइल्यूटेड में पंगा ना लेना ईपीएस पे, उसमें पहले आपने अर्निंग्स लिखनी है जो आपने डाइल्यूटेड के लिए ली, फिर डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने डाइल्यूटेड के लिए लिए, मल्टीप्लाई बाय सीधे वाला फैक्टर लगा देना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, सीधे वाला फैक्टर। ये डाइल्यूटेड के लिए तरीका है, कुछ सवालों के अंदर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पेपर में बैठ के नहीं पता होगा कौन से वाले तरीके से जवाब सही आ रहा है, बस यही वाला तरीका कर लेना है। ओके भाई, ये ऑनलाइन में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था परसों, मैंने 2-3 दिन पहले मैंने जवाब दे दिया था कि ऐसे करना है मेथड 2 से डाइल्यूटेड को। अच्छा नेक्स्ट टाइम, कहता ऑन 1 सितंबर 2023 सीएल इशू 20% बोनस शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, बोनस शेयर्स। भाईजान इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जिस बच्चे ने सीगा एंड को वाला सवाल किया था उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, उसमें 4-4 चीजें आ रही थी, सीगा एंड को क्वेश्चन नंबर 28 प्रैक्टिस सेट का, सीगा एंड को वाला
बेसिक ईपीएस की खूबसूरत तीन प्रैक्टिस है उसमें, बात समझ गए मेरे भाई, ये कर लेंगे ये वाला। अब बिफोर में वन आएगा और न्यू में 0.2 आएगा और 1.2 आ जाएगा और यही एडजस्टमेंट फैक्टर। और अगर पिछले साल को आपने रीस्टेट करना है तो उल्टा कर दें इसको, डाइल्यूटेड में करना है तो बच्चों तो अगर इधर देखो, इधर 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 डाइल्यूटेड की, डाइल्यूटेड को रीस्टेट करना है भाई। जी सर। अब ना अगर तो बेसिक को करना हो तो फिर तो मैंने आपको बताया था बेसिक ईपीएस को करना है ना। फॉर एग्जांपल जी, बेसिक ईपीएस ओरिजिनली है ₹4, फॉर एग्जांपल पता नहीं है मुझे कितनी है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट फैक्टर था कितना आया था पिछले में, 80/70, इसको उल्टा कर दो। एग्री। अच्छा, अगर आपने डाइल्यूटेड को करना है ना तो उसकी जितनी अर्निंग्स आती हैं डिवाइड बाय, ये आपने डाइल्यूटेड वाला डेटा उठाना है। अब नहीं समझे बात, फॉर एग्जांपल पता नहीं यार अब कितनी होंगी मुझे नहीं पता, रुपीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम करके ये रेज कर दूंगा, बच्चे कहेंगे पता नहीं सर ने जवाब लिखा है इस सवाल का, ₹100 डिवाइडेड बाय 25, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय, अब आपने ये करना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे करना है आपने, इधर नहीं आपने अर्निंग्स पे लगाना फॉर्मूला, डन ठीक है ना, बस बात मान लें इसमें, ठीक है डाइल्यूटेड में ऐसे ही कर लें बस, चले हो जाएगा ये, ओए हो जाएगा, ओए बोलो तो सही जी, दे दे इनको कॉपी दे दें सोल्यूशन। अच्छा जी, अगर आपने, आपको शौक है, आपको बहुत इश्तियाक है सोल्यूशन देखने का तो आ जाए नीचे जी। किधर गया, भाई मेरे इधर देखें, ये इन्होंने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया, सही है बच्चों, ये बोनस का किया उन्होंने, बटा एक लिखा नज़र नहीं आ रहा आपको, और समझ गए हैं ये दो, ये आगे सब तकरीबन उसी तरह ही है, बस आपको पता है हमारा तरीका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, वो क्या उसका नाम है स्टेप्स। अच्छा, ये जो रैंकिंग है ना, रैंकिंग ये वाली, ये रैंकिंग है और इधर हम वर्किंग फोर करते हैं, उसने मेन रिक्वायरमेंट में की हुई है, मेन रिक्वायरमेंट में नहीं करनी, ये इसका पहला नंबर और इसका जो, अब डाइल्यूटेड में दो चीज़ें हैं, एक इररिडीमेबल है और एक कन्वर्टेबल है, पहला नंबर इसका और दूसरा नंबर इसका, पहले इसको प्लेस करेंगे बेसिक ईपीएस 2023 की, फिर इसको प्लेस कर देंगे 2022 में, तो मसला ही नहीं है ना उसमें, तो सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, हमने भी इतना ही निकाला था मेरा ख्याल है, डन बच्चों, चले बहरहाल हो जाएगा क्वेश्चन। एक मसला है, जब आप इस सोल्यूशन को देखेंगे ना, इन्होंने क्या किया है, और इधर ओ भाई, इन्होंने ए रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी है, आप कैसे लिखेंगे बताएं जरा, बताएं शाबाश, ए रिक्वायरमेंट ये डिस्क्लोज जब करना है आपको, तो तरीका बताया था कंपनी का नाम, उसके बाद इधर लिखेंगे बेसिक, और बच्चों इधर, या इधर ऊपर लिख दें कंपनी का नाम और लिखें कंपनी का नाम कैलकुलेशन ऑफ फॉर कैलकुलेशन फॉर ईपीएस, इधर आ जाएगा साल कौन सा, फॉर द, अगर एक साल है तो फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा दिस वन, बाकी सारी चीज़ें वर्किंग्स में जाएंगी, याद रखना ये डिस्क्लोजर का फॉर्मेट है। बी रिक्वायरमेंट, अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह आपने फिर हेडिंग देनी है कंपनी का नाम कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, इधर आ जाएगी बच्चों बेसिक, इधर आए जी, अब हमारा साल है, तेरी बात नहीं खत्म हो रही, 22 और ये है 23, इधर आ जाएगी बच्चों 22 पिछले वाला ओरिजिनल, ये ओरिजिनल आएगा, ये नहीं कहना सर ऊपर बता दिया है, भाई बता दिया तो बता दिया, साथ आना है, इधर 23 सही वाला, ये ओरिजिनल, खैर ओरिजिनल ही होता है ये ओरिजिनल, और ये 2022 क्या बच्चों, दिस इज द फॉर्मेट हाउ यू प्रेजेंट इन एग्जाम्स जी, ओके बच्चों, ले सर ये है जी डिस्क्लोजर का, ये है माजरत डिस्क्लोज करने का तरीका, और अगर कंप्यूट करने का कहे तो फिर भी इसी तरह है, डन डन मेरे भाई, और अगर डिस्क्लोजर्स कहे के इसके साथ डिस्क्लोजर्स भी बनाओ
तो आप इधर फिर लिख देंगे जी अर्निंग पर शेयर, फिर 33.1, अर्निंग पर शेयर को 33 का नाम, वो सोल्यूशन देख लीजिएगा, 33.1, 33.3, 33.4, 33.3, 33.4। अगर कहे एक्सट्रैक्ट्स, तो उसके लिए सवाल था मेरा ख्याल है अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड वाला, शायद वो आप देख लेंगे। डन बच्चों, ईपीएस में चार तरह के सवाल बनेंगे, भाईजान वो कहेगा जी कंप्यूट कर दें, वो कहेगा डिस्क्लोज करें, तीसरा वो कहेगा कंप्यूट एंड डिस्क्लोज, या डिस्क्लोज एंड डिस्क्लोजर, सॉरी कंप्यूट एंड डिस्क्लोजर स्लैश डिस्क्लोज, एंड चौथा आ जाएगा बच्चों किसका, काम सारे वही करने हैं, काम सारे वही होने हैं, इसका और इसका फॉर्मेट सेम है, इसका भी तकरीबन फॉर्मेट सेम है ना, इसका तो नीचे डिस्क्लोजर स्टार्ट कर देने हैं, एक्सट्रैक्ट्स में भी वर्किंग सारी, लेकिन इसका तरीका मोस्टली बताया था पैट और वो, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, पांचवा भी हो सकता है बच्चों। अब देखो ना ये बातें याद आती रहती हैं बंदे को साथ साथ, भैया ईपीएस के सवाल को मिक्स कर देगा, चेंजेस इन, आपको समझाया था, आपने समझना है दो अलहदा अलहदा पार्ट्स हैं, एग्जामिनर ने गलती के साथ इकट्ठे कर दिए हैं, दो अलहदा पार्ट्स हैं, एग्जामिनर से गलती हुई और उसने इकट्ठा कर दिया इसको, ठीक है बच्चों जी, प्लस क्या लें सर, डन ओके सर, आगे आ जाएं जी सर जी, कर ले एक दफा कर ले सारी बातें।